नमस्कार दोस्तों, भारतीय सेना में सर्विस करने का मौका मिलना हर भारतीय के लिए एक बड़े ही गौरव और हर्ष का विषय होता है। आप में से असंख्य स्टूडेंट्स कड़ी मेहनत के बाद रिटन टेस्ट क्लियर करते हैं और उसके बाद SSB इंटरव्यू, जो कि 3-स्टेज इंटरव्यू प्रोसेस होता है, उसे क्लियर करके लास्ट में मेडिकल के लिए पहुँचते हैं। स्टेज 3 में आपका मेडिकल टेस्ट किया जाता है और दोस्तों, यहाँ पर अगर सब कुछ क्लियर करने के बाद अगर रह जाते हैं तो सच में ही बहुत सा दुख होता है। और इसीलिए दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को मेडिकली फिट रखें, जानें कि मेडिकल की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ताकि आप अपने आप को तैयार कर सकें। आपके अपने चैनल राहगीर इंडिया में SSB मेडिकल प्रोसीजर के ऊपर फुल इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसे आप अपने आप को सेल्फ चेक कर सकते हैं और अपना मेडिकली जो है ठीक हो या नहीं हो उसे जान सकते हैं, और अगर थोड़ा बहुत करेक्शन करना है तो आप वो कर सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा वेट के बारे में, यानी कि अगर आप अंडर वेट हैं या फिर ओवर वेट हैं, दोनों ही स्थिति में आप रिजेक्ट हो सकते हैं। लेकिन कुछ स्थिति में ये जो ओवर वेट की कंडीशन है उसमें रिलैक्सेशन दी जाती है, वो मैं आज बात करूंगा। और एक और चीज बताऊंगा कि अगर आप ऐसी कंडीशन में हैं तो किस तरह से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और वो जो वेट बॉडी वेट दिया गया है उसके भीतर अपने आप को फिट ला सकते हैं। दोस्तों, जो जॉब की नोटिफिकेशन आती है उसमें बॉडी वेट चार्ट दिया जाता है। ये बॉडी वेट चार्ट जो है बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर आधारित है और इसमें जो है मिनिमम वेट जो उस पर्टिकुलर हाइट में होना चाहिए वो दिया जाता है। नॉर्मली इस कैटेगरी के बाहर अगर आपका वेट होता है तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि आप में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका जो मास है, बॉडी का मास है, जो हड्डियों का जो वेट है वही ज़्यादा होता है, या फिर वो एथलीट होते हैं या फिर वो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, बॉक्सर्स होते हैं। तो उस हालत में आर्मी में भी रिलैक्सेशन दिया गया है कि अगर आप इसी तरह से किसी बॉडी बिल्डिंग में, रेसलिंग में और बॉक्सिंग में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो आपको इस जो वेट की जो कैटेगरी है उसमें रिलैक्सेशन दी जाती है। लेकिन ये रिलैक्सेशन उन कंडीशंस में दी जाएगी अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स जो है 25 से नीचे हो, वेस्ट हिप रेशियो जो है 0.9 मेल्स के लिए और 0.8 जो है फीमेल्स के लिए होना चाहिए, जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस है वो लेस देन 90 सेंटीमीटर्स मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए लेस देन 80 सेंटीमीटर्स होना चाहिए, और जो बाकी बायोमेडिकल पैरामीटर्स होते हैं वो सब ठीक होने चाहिए। मैं इन सारी कंडीशंस की एक एक करके बात करूंगा आज इस वीडियो में। दोस्तों, जो एज के हिसाब से हाइट और वेट चार्ट दिया होता है वो इस तरह से दिखता है। तो आप अगर देख सकते हैं कि अगर आपकी जो हाइट है 140 सेंटीमीटर्स है और आप 17 से 20 साल के बीच में हैं तो आपका वेट कितना होना चाहिए। इसी तरह से बाकी एज ग्रुप्स के लिए भी और हाइट के लिए आपको वेट दिया गया है। अब दोस्तों, बात करेंगे उन पैरामीटर्स की जिनके बेस पर ये कैलकुलेशन करी जाती है। और अगर आप किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे पहले बताया था, तो किस तरह आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा और आप कैसे कैलकुलेशन अपने बॉडी वेट की कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे फर्स्ट चीज़ आती है बॉडी मास इंडेक्स। नॉर्मली बॉडी मास इंडेक्स होता है पर्सन्स की वेट, जो कि केजीज में आपका दिया जाता है, और जो आपकी हाइट है उसको मीटर्स में स्क्वायर करके अगर उसको हम डिवाइड करें तो आपका जो है बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेशन हो सकता है। आप इसकी जो है कैलकुलेशन की शीट यहाँ पर देख सकते हैं, और अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो लेफ्ट साइड हाइट है, राइट साइड में वेट है, और बॉडी मास इंडेक्स आपका किस तरह आएगा वो आप ग्राफ में देख सकते हैं। एग्जाम्पल पर तौर कर अगर आपका वेट 90 kgs है और आपकी हाइट जो है 1.77 meters है, तो आपका बॉडी मास इंडेक्स 90 / 1.77 square यानी कि ये निकलेगा 28.7। अब ये दोस्तों जानना है कि ये जो कैलकुलेशन आई है, ये जो नंबर आया है BMI, इसकी क्या जो है अहमियत है। अगर आपका BMI 18.50 से नीचे है तो आप अंडर वेट हैं, लेकिन अगर ये 18.5 से लेके 24.99 के बीच में है तो आपका हेल्दी वेट है, और यही जो है आर्मी के मेडिकल्स में एक्सेप्ट होता है। 25 से लेकर 29.9 के ऊपर हैं तो आप ओवरवेट हैं, और अगर बाई चांस 30 के ऊपर हैं तो ओबीज हैं, आपको फुल्ली जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आप अपना BMI चार्ट चेक कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि आप मेडिकली फिट हैं वेट के हिसाब से या नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे पैरामीटर की, जिसको बोलते हैं वेस्ट टू हिप रेशो। आखिर ये वेस्ट टू हिप रेशो होता क्या है? नॉर्मल अगर भाषा में बात करा जाए तो वेस्ट टू हिप रेशो होता है, इट इज़ द
रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द वेस्ट टू दैट ऑफ द हिप. नॉर्मली वेस्ट जो है आपकी, उसको हिप के सर्कमफ्रेंस से आप डिवाइड करिए तो आपका वेस्ट टू हिप रेशियो आ जाएगा. आर्मी मेडिकल्स के लिए जो मेल्स हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए 0.9 तक होना चाहिए और फीमेल के लिए 0.8 होना चाहिए. अब इसमें जो है आप अगर इस चार्ट में देखेंगे तो आपको विमेन के लिए अगर यहाँ पर दिया हुआ है, अगर 8 से नीचे है तो आपका हेल्थ रिस्क लो है और बॉडी शेप आपका दिया हुआ है, बॉडी शेप पियर के शेप में है. लेकिन अगर आपका 8 से ऊपर है दोस्तों तो आपकी हेल्थ को मॉडरेट रिस्क है, इसलिए 0.8 से ऊपर जो है लेडीज़ के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता है. सेम वे दोस्तों ये जेंट्स के लिए भी इसी तरह से कैलकुलेट किया जाता है. दोस्तों यहाँ पर हम जो है बॉडी शेप की बात कर रहे हैं तो ये शेप जो है, बॉडी शेप जो है ये वेस्ट टू हिप रेशियो के हिसाब से डिफाइन भी होती है और ये कई जगह पर फीमेल अट्रैक्टिवनेस भी इससे नापा जाता है. नॉर्मली दोस्तों 0.07 जिनका जो वेस्ट टू हिप रेशियो होता है वो नॉर्मली मोर अट्रैक्टिव जो है रेट करी जाती है मैन के द्वारा, जो कि इंडो यूरोपियन कल्चर में जनरली देखा गया है. ये पर्सनल चॉइस है दोस्तों, चेंज हो सकती है और ये कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रखता. यूरोप और अमेरिका में नॉर्मली जो आपके साइजेस हैं वो भी वेस्ट और हिप के हिसाब से देखे जाते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी वेस्ट 26 इंच है और हिप्स जो हैं 37 इंचेस हैं तो आपका जो साइज़ है वो 8 कैलकुलेट किया जाता है और इसी तरह से बाकी साइजेस कैलकुलेट होते हैं. दोस्तों अभी तक तो हमने बात करी कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, वेस्ट टू हिप रेशियो क्या होता है, लेकिन अगर आपका कम है या ज़्यादा है तो आपको क्या करना चाहिए. अगर हम बात करें सबसे पहले जो है वेस्ट टू हिप रेशियो के लिए दोस्तों, तो कहीं पर कुछ स्टडीज़ करी गई थी जहाँ पर बताया गया था कि कुछ फूड ऐसे हैं अगर आप उन्हें कंज्यूम करते हैं तो आपका बॉडी जो है आपका वेस्ट टू हिप रेशियो चेंज हो सकता है. लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वेट को मैनेज करना. अगर आप अंडर वेट हैं तो आपको अपना जो है कैलरी इनटेक बढ़ाना है, जो कि कैलरी डेंस फूड से आपको मिलता है. इसके अलावा कुछ लिक्विड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं जो भी आप दोस्तों ले सकते हैं दोस्तों. इसके अलावा दोस्तों एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है अपने वेट को बढ़ाने का या कम करने का. अगर आप अंडर वेट हैं तो कुछ आप ऐसी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे कि आपकी मसल टोन बढ़ जाती है और वेट भी आपका इंक्रीज होता है. लास्टली दोस्तों जो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा लेकिन एज ए लास्ट मेजर जो है, कुछ ऐसी ड्रग्स आप ले सकते हैं, कुछ दवाइयाँ आप ऐसी ले सकते हैं जिनसे कि आपकी जो है एपिटेट जो है, जो आपकी भूख जो है वो बढ़ जाती है. जैसे कि विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स, इस टाइप की आप जो है चीज़ें ले सकते हैं. भूख बढ़ेगी तो आपका वेट भी बढ़ेगा. इसके अलावा मेडिकल्स में मेटाबॉलिक पैरामीटर्स की बात करी थी, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, आपका LDL, HDL, ग्लूकोज, फाइब्रोगन, ब्लड लेवल, इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो भी आपकी नॉर्मल होनी चाहिए. दोस्तों आपके अपने चैनल राहगीर इंडिया में SSB की प्रेपरेशन के लिए हर टाइप का वीडियो है. कृपया वहाँ जाएँ और अपने आप को अच्छे से तैयारी करें. आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा मटेरियल आपको वहाँ पर मिलेगा. देखें और सक्सेसफुल ऑफिसर बने. देखने के लिए धन्यवाद. प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो. थैंक यू.